दलजीत ने लगाए दूसरे पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल के आरोप। तो एनआरआई निखिल पटेल ने भी एक्ट्रेस पर लगाए कई इल्जाम। अब कोर्ट तक पहुंच गया है शादी की अनबन का मामला। एक्ट्रेस के खिलाफ दूसरे पति ने जारी किया लीगल नोटिस। तो एक्ट्रेस के सामान को चैरिटी में देने की दी धमकी। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने दूसरी बार शादी क्या की, उनके लिए खुशी से ज्यादा मुसीबतें ही मुसीबतें खड़ी हो गई। आखिर महज 10 महीनों में ही एक्ट्रेस की दूसरी शादी को ऐसी नजर लगी कि ये टूट कर बिखर गई। ससुराल केनिया से तो दलजीत इसी साल की शुरुआत में वापस अपने देश लौट आई थी, तो बार बार तलाक की खबरों पर लंबे वक्त तक चुप्पी साधने के बाद अभी हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने एनआरआई पति निखिल पटेल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप तक लगा दिए थे। तो निखिल ने तो दलजीत संग शादी की बात को ही नकार दिया और कहा कि केनिया में उनकी शादी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, ऐसे में ये अवैध है। और अब इन सब के बीच दलजीत की दूसरी शादी का मामला कानूनी मोड़ पर जा पहुंचा है। जी हाँ, दलजीत और निखिल की दूसरी शादी का तमाशा तो पहले ही दुनिया के आगे बन चुका था, तो अब इनकी शादी की अनबन कानूनी लड़ाई पर भी आकर खड़ी हो गई है। दरअसल जब से दलजीत ने अपनी दूसरी शादी में दरार और तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है, तब से वो लगातार कोई न कोई पोस्ट शेयर कर निखिल पर निशाना साध रही हैं और सरेआम उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप तक लगा रही हैं। ऐसे में अब इस मामले में निखिल पटेल ने एक बड़ा कदम उठाया है और दलजीत के खिलाफ लीगल नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल इस मामले में निखिल ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा, दुनिया के एक सामान्य नागरिक के रूप में ये देखना बहुत परेशान करने वाला है कि भारत और ग्लोबल स्तर पर ऑनलाइन सेफ्टी प्रोटेक्शन में कमियां कैसी हो सकती हैं, और अक्सर उन लोगों द्वारा इसका फायदा उठाया जाता है जो अपने लापरवाही एक्शन के जरिए सस्ते मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चुनते हैं, जो निर्दोष बच्चों और महिलाओं का नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर से बच्चों के मामले में शामिल लोगों की सहमति के बिना तस्वीरें, वीडियो, फोटो साझा करना, जिन्हें हमेशा कानून की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वो बिल्कुल अवैध और बड़ी लापरवाही है। इस बातचीत में निखिल ने आगे ये भी बताया, मेरी टीम ने दलजीत से बात की है ताकि वो अपना सामान केनिया से जून के महीने में ले जाएं, वरना हम इसे केनिया की चैरिटी में दान दे देंगे, क्योंकि हमने दलजीत को कई बार अपना सामान ले जाने के लिए पहले भी कहा हुआ है। निखिल ने ये भी साफ किया कि मेरी लीगल टीम आगे ऐसी कोई भी हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ लीगल कदम भी उठाएगी अगर वो इसी तरह के एक्शन जारी रखेंगी। याद दिला दें कि दलजीत संग निखिल ने अपनी शादी को लेकर हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दलजीत उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई थी, तो एक पोस्ट में उन्होंने मूव ऑन करने की बात का भी जिक्र किया। वहीं दूसरी ओर दलजीत ने निखिल के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला हुआ है, वो आए दिन कोई ना कोई पोस्ट शेयर कर निखिल पर गंभीर आरोप लगा रही है। बहरहाल जहाँ दलजीत अपने बेटे के साथ मुंबई में है, तो वही निखिल पटेल केनिया में अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं। देखना होगा कि अब इनकी लड़ाई क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।